लेफ्टिनेंट समून से भी हम जानना चाहेंगे, अपने सर्विस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, अपने वर्किंग आवर्स के बारे में हमें बताइए, एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसे अचीव कर सकी। यूनिफॉर्म के साथ जो ग्रेस डिग्निटी एसोसिएटेड है वो किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। वर्किंग आवर्स हमारे कोई स्पेसिफिक नहीं होते, हेक्टिक होता है क्या? हम लोगों की ड्यूटी बेस होती है जो आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली नेवी का ये रोल है कि आप जिस फील्ड में होते हैं आप सिर्फ उस फील्ड के साथ लिमिटेड नहीं होते। आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की जाती हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स दिखाई जाती हैं, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, आपको ऐसा बनाया जाता है जैसे आप होते नहीं हैं। जब आप पाकिस्तान नेवल अकेडमी ज्वाइन करते हैं यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। जब आप ग्रूम किया जाता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप वो गेट बाहर निकलते हैं तो यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। इवन आपकी फैमिली ये चीज़ कहती है कि अफसर बन के घर आए। तो ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया जाता है, हम लोगों को एम्पावर्ड किया जाता है, हम लोगों को बताया जाता है कि हम किस तरह से जो है वो अपने वतन के लिए पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। अच्छा, लेफ्टिनेंट समून, बहुत सारी खवातीन जो आपको देखती हैं वो जानना चाहती हैं टेस्ट के बारे में भी, जिस तरह से आपने कहा कि MBBS के बाद भी ये दिया जा सकता है, हाउस जॉब के बाद, जिस तरह से आपने भी प्रायोरिटी अप्लाई किया, तो क्या वो क्राइटेरिया है तो ये बताइए, और फिर ये भी बताइए कि टेस्ट एग्जैक्टली होता किस किस्म का है, क्या क्या होता है उसमें? ISS भी प्रॉबली नहीं होता जी, दैट्स व्हाट यू मेंशन जी। सबसे पहली चीज ये है कि जो ISSB का पोर्शन है वो सिर्फ डॉक्टर्स इससे एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, बाकी सारी डिपार्टमेंट की फीमेल जो अपने डिग्री में अपने डोमेन में अप्लाई करेंगी उनका ISSB होता है। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपनी हाउस जॉब कम्प्लीट करते हैं। अगर आप एज ए GDMO अप्लाई कर रहे हैं, आपकी हाउस जॉब कम्प्लीशन होती है, आपको कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, आप क्लासिफाइड डॉक्टर होते हैं। उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं, आपका जब रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं PMDC के साथ, आप अप्लाई करते हैं, उसमें इनिशियल होता है जैसे कि बाकी सारे डोमेन्स का इनिशियल होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQ बेस्ड होते हैं, डिफरेंट इसके डोमेन्स होती हैं जिसमें अकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता लेकिन आपकी असेसमेंट की जा रही होती है। आप इसको क्रॉस करते हैं, देन आपके फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आते हैं जिसमें आपकी रनिंग वगैरह, आपका माइल टाइम देखा जाता है और बाकी सारे, फिर इनिशियल मेडिकल, उसके बाद फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं साइकेट्रिस्ट के साथ आपके, और आफ्टर डैट अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट करते हैं फिर आपका एक फाइनल मेडिकल हेल्ड होता है। अगर आप 100% आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्टली फिट एंड फाइन होगी तो फिर आपको जो है वो जॉइनिंग लेटर दिया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। लेफ्टिनेंट समून साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जी जज्बा नो डाउट जवानों में है और फिर एक एम भी है जैसे आपका भी है, तो फोर्सेस के लिए एक आसाबी मजबूती का होना जो है मुझे लगता है कि बड़ा बुनियादी जज्ब है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जिसमें आपको डिसीजंस लेने हैं, जिसमें आपको एक्ट करना है, तो ये आसाबी मजबूती एक कुदरत की देन है, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, या इसको अटेन भी किया जा सकता है, इस चीज़ को अचीव भी किया जा सकता है? आप अभी तक पाकिस्तान नेवल एकेडमी में आपका जाना नहीं हुआ वरना आप ये सवाल ना पूछते। मैं इसलिए पूछ रहा था, इसलिए बिकॉज़ मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को ऐसे वॉर सिनेरियो से गुजारा जाता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग पहले रोते हैं और फिर खुद पे हंसते हैं कि कहाँ आए हैं। और आखिरी दिन जो होता है जब आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो ये सारी चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। उस टाइम खुदा का शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ भी सामने नहीं होता। आप कभी हम कमेंट लेना चाहेंगे किस तरह से आप ये जिस तरह से अजीम ने ये सिचुएशन की बात की कि आसाब का मजबूत होना बहुत जरूरी है, कभी बहुत ही क्रूशल सिचुएशन आ जाती है। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हर फील्ड में चैलेंजेस दरपेश होते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड में आप लोगों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कितना इम्पोर्टेंट है आसाब की मजबूती का होना? ये बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आपके पास ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ होगी तो फिर ही ऐसी सिचुएशंस में यू आर एबल टू थिंक क्लियरली, अदरवाइज तो हर चीज़ ओवर शेडोड रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्किल जीरो हो जाएगा। तो जैसा कि लेफ्टिनेंट शमून ने बताया कि ये प्रोसेस एकेडमी से ही स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम डे वन, एंड एवरी पासिंग डे जब आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो हर एक को इतनी डाइवर्स किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ना, उसके अंदर वी ऑल वर्क एज अ टीम, और अपनी टीम के अंदर यू नो वी सी के अगर कोई इस चीज से गुजर रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, तो वो वीक लिंक हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ऑल सपोर्ट दैट इंडिविजुअल कि उसको जो है ना लेके आए उस लेवल के ऊपर कि वो टीम परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्ट ना करे उसको।
तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ लाइक यू नो आई एम अ हेलीकॉप्टर पायलट सो ऑफ एंड ऑन जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस अर्थक्वेक रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर अप्लाई करते रहे देन सी पे इतने सारे रेस्क्यू मिशंस करते रहे हैं उसके अंदर यू नो वंस यू आर टेकिंग समवन आउट फ्रॉम द सी और वो इज बैडली इंजर्ड और समथिंग तो उस वक्त टाइम नहीं होता इस चीज़ को देख इसके बारे में सोचने का या घबराने का बिकॉज द फोकस इज ऑन सेविंग दैट इंडिविजुअल्स लाइफ Absolutely. तो जैसे जैसे आप एक्सपोज होते हैं इन सिचुएशंस को तो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके अंदर इंसान के अंदर ये चीज रखी है कि यू गेट स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड एक वक्त आता है कि फिर ये चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती उस तरह से तो बट एट द सेम टाइम हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम टोटली रोबोट्स ना बन जाएं यू हैव टू स्टे ह्यूमन आल्सो बिल्कुल जी तो इसीलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो हम मेंटेन रखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और हमारी नेक तमन्नाएं हमारी दुआएं वैसे तो पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है कि आपके जो मकासद हैं अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब करे और मैं तो जाती जो है बिना पर काफी सवाल मेरे पास थे अभी दिलचस्प किस्म के मैं करना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेगमेंट है हमारा वो खिताब की जानिब बढ़ रही थी बहुत शुक्रिया कमांडर फाद मलिक साहब आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया लेफ्टिनेंट सबून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान आप लोग हमारे हीरोज हैं और हमें बहुत फख्र है आप पर और जिस तरह से आपने चैलेंजेस की भी बात की अजीम जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं हमें एक आउटर पिक्चर नजर आ रही होती है लेकिन नथिंग इज ईजी और बहुत चैलेंजेस दरपेश होते हैं और फिर अगेन हम इनको लेकिन कुव्वत ईमानी और जज्बा शहादत ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे फोर्सेस का खासा है जो हमारे जवानों में ही पाई जाती हैं और यही वो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं दो अनासिर ऐसे हैं जिसके बिना पर कितना बड़ा दुश्मन सामने आ जाए इट डजंट मैटर हम लोग जो है वो हमेशा उनको फिर ऐसा काबू करते हैं कि फिर कई बार चाय भी पिला के भेजते हैं फिर उनको वो सारी दुनिया देखती है फिर हमें सुनने को मिलता है टीस फैंटास्टिक बिल्कुल जी आज के दिन की मुनासबत से हम पाकिस्तान नेवी को सलूट पेश करते हैं उनकी खिदमात को सलूट पेश करते हैं पाकिस्तान की अफवाज को सलूट पेश करते हैं ये है तो हम हैं ये है तो हमारा वतन है और हम अपने वतन में जो है ना वो आजादी के साथ और सुकून के साथ रात को जब हम बात करते हैं हम सकून से सो सकते हैं भाई और सकून से सोना भी चाहिए क्योंकि ऐसे जवान हमारी सरहदों पर तैनात हैं तैनात तो आप टेंशन ना लें इजी रहे आप कहीं भी हो वक्त कोई भी हो बाखबर रहिए दुनिया के हालातों वाकयात से अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें